हिमाचल भाजपा का प्रभारी बनना कई नेताओं के लिए खासा लक्की साबित हुआ है। इस बात को हिमाचल भाजपा के वर्तमान प्रभारी मंगल पांडे के बिहार में मंत्री बनने से बल मिला है। देखा जाए तो हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहने वाले कई नेता मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व में हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं। हिमाचल प्रभारी बनने के बाद मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा भी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद वह उत्तर प्रदेश के मंत्री बने। इसी कड़ी में महावीर प्रसाद व सतपाल जैन का नाम भी शामिल है। इन दोनों नेताओं की भी हिमाचल प्रभारी बनने के बाद पदोन्नति हुई है। सतपाल जैन प्रभारी बनने के बाद सांसद बने तथा पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए तथा अब मंगल पांडे की पदोन्नति हुई है। पांडे की पदोन्नति तो हिमाचल प्रभारी बनने के कुछ माह में ही हो गई। वह नीतीश कुमार व भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा के हिमाचल प्रभारी तथा बिहार के एनडीए गठबंधन सरकार में बनने वाले नए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की जनता चाह रही थी कि यहाँ की सत्ता से भ्रष्टाचारियों, बेनामी संपत्ति रखने वालों, अपराधियों को संरक्षण देने वालों व विकास विरोधियों को बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अस्वाभाविक गठबंधन की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। वह शिमला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक विचारधारा का स्वाभाविक गठबंधन अब बिहार में हुआ है, जिसमें बिहार को विकास की ओर ले जाने वाले लोग एकजुट हुए हैं। मंगल पांडे ने कहा कि भाजपा के समक्ष हिमाचल की निरंकुश सरकार को हटाना मुख्य चुनौती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को विकास की ओर ले जाना तथा देश के अन्य विकसित व विकासशील राज्यों के साथ हिमाचल को जोड़ना भाजपा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वीरभद्र सरकार की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से गुड़िया की हत्या हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।